वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने पीवीआर स्टडी में। दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, मैं करूंगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है। आसान है, आसान है मैथ, आसान है। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आज से आने लगेगा। देखिए डेमो क्लास पक्का आएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये हमारी टैगलाइन है, इसे याद रखिएगा। और विश्वास करिएगा, पहले आप देख लीजिए। तब मित्रों बहुत कुछ बदल चुका है, अब समय बचाने की संपूर्ण गारंटी होगी, ज़्यादा बातचीत नहीं, कोई भी बकवास नहीं बीच में। कैसे करेंगे ध्यान देना, इसको हमने पिछली क्लास में कर लिया, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, गौर से देखना। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले जो भी पद दिया है उसे चुपचाप वैसे लिख लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 0.01, क्लियर। उसके बाद इसमें देखिए डेसिमल लगा है ना, तो डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल, और इसके दाहिने साइड क्या है, सॉरी दाहिने साइड तो इधर है, दाहिने साइड क्या है, 1-1 है ना, तो दाहिने साइड 1-1, बाएं साइड क्या है, 1 है ना, ये 1 हो गया। इसको ऐसे जोड़ देना है, बस यही आंसर हो गया। ये तरीका होता है कि दशमलव जस्ट दशमलव के नीचे होना चाहिए, तो 1-1-2 हो गया, ये 1 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये 1 हो गया, इस तरह से आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है गुड़ा वाला, ये तो हमने उस दिन पिछली क्लास में सब कुछ लगभग देख लिया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर इस क्लास ख़त्म होने के बाद इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत से लोगों को काफ़ी टेंशन होता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल में 1 का मल्टीपल 1 में करना है बस। तो 1 का गुणा करोगे 1 में तो 1 आएगा, लेकिन दशमलव वाला झंझट कैसे समझेंगे, 1 अंक पर दशमलव यहाँ लगा है, 1 अंक पर यहाँ, अंक कहाँ से गिनते हैं, पीछे से, देखो 1 अंक पे। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कितना अंक पर दशमलव लगा है तो कितने पर है, 1, 2, 3 अंक पर है ना, तो यहाँ पर वैसे 1 अंक पर था, तो 1, 1 क्या हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लगेगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल बताना, तुरंत बताना, क्वालिटी को चेंज कर लोगे 100% फुल HD दिखेगा। अगला, इसमें भी वैसे ही करना है, इसमें कुछ ज़्यादा जीरो दिख रहे हैं जो कि अभी सब सिमट जाएंगे। 1 का 1 में मल्टीपल करोगे 1 आएगा, जरा गौर से देखना यहाँ पर दशमलव कितना अंक पर है, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट पर डेसिमल है ना, 4 पर, यहाँ पर 1 डिजिट पर है, तो कितना डिजिट पर दशमलव हो जाएगा, टोटल कितना डिजिट पर हो जाएगा बताना, जब गुणा करेंगे तो 5 डिजिट पर डेसिमल हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं बता देना जल्दी से। तो अब आपका 5 अंक पर ये दशमलव हो जाएगा। अब आप कहोगे 5 अंक कहाँ से आएगा, ये तो अकेला एक ही अंक है, तो आप 5 अंक इसे बना लोगे, देखो 2 अंक हो गया ना, ये 3 अंक हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से यहाँ पर दशमलव लगा दोगे, इसके आगे भी एक जीरो लगा लेते हैं जिससे इसमें अंतर बना रहे, इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाता है। यानी इसको आपने कैसे समझा, ये 4 अंक पर दशमलव था यहाँ पर 4, ये 1 अंक पर दशमलव था 1, इसको जोड़ देते हैं तो जो ये 5 आता है ना, इतना अंक पर दशमलव नीचे बाद में लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। अभी नहीं समझ में आया बिल्कुल ना घबराना, क्लास छोड़ के मत जाना, समझ में आएगा, अगला देखना। क्वेश्चन नंबर 5वां पे आ जाइए, बस केवल सवाल होगा, बाकी कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डिस्कस नहीं होगा, कमेंट का जवाब बाद में मिलेगा। इसमें देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है, एकदम आसान है, एकदम हलुआ है ये। नंबर नंबर का गुणा कर लो, 2 का 3 में गुणा करना सभी को आता है ना, तो 2 का 3 में करोगे तो 6 हो गया। अब लफड़ा होता दशमलव का, दशमलव यहाँ पे देखो 1-2 अंक पर है, 1-2, ये 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 1-2, 2 अंक पर दशमलव है, 2-2-4 होता है ना, इसको दोनों को जोड़ लोगे तो 4 आएगा, यानी कि आपको फाइनल में यहाँ 4 अंक पर दशमलव लगाना है, जो कि हमारे पास केवल 1 अंक है। तो हम जो गिनती होती है संख्या, उसके बाई तरफ लेफ्ट साइड 0 बढ़ा के उसको 4 अंक बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 4 अंक, क्योंकि ये 4 आ रहा है, तो 2 अंक हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, चाहे तो यहाँ आप 0 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 0 अवश्य लगाया जाता है, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया, बात समझ में आई। अगला देखना, बिल्कुल ना घबराना, घटाना भी बताएंगे, भाग भी बताएंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करना, सारा जवाब मिलेगा, एकदम 100% सेटिस्फाइड। इसमें दशमलव को भूल जाइए, आंख बंद कर लीजिए, दशमलव भूल जाइए कि दशमलव लगा था। तो चलिए जब हम दशमलव को भूलते हैं तो हमें मिलता है 321 और क्या मिलता है, 3, यही तो मिलेगा ना, क्योंकि 0 इसके पहले इसका कोई मतलब नहीं, दशमलव हट जाएगा तो ये मिलेगा। इसका गुणा कर लो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरह से हमारे पास आता है 963, है ना। अब क्या करोगे,
जो आया उसको लिख दो यहाँ चुपचाप 963। ज़रा गौर करिए, डेसिमल यहाँ पर कितने डिजिट पे था? 3 पर था, यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट पे था। अब क्या करोगे? इन दोनों को आपको जोड़ना होगा। 3 2 होता है 5, 5 होता है ना। अब आप क्या करेंगे, ये 5 अंक पर यहाँ दशमलव लगेगा, तो हमारे पास 1 2 3 अंक है, 2 अंक और बढ़ा लो इसके आगे 0 बढ़ा के। ये देखो 5 हो गया ना, जैसा दशमलव के पहले भी 1 0 बढ़ा देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब 5 अंक बनाना हो 9 6 3 लिखा है तो कभी इधर 2 0 मत बढ़ाना, वरना 5 अंक तो बन जाएगा लेकिन आपका 5 गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका सारा मान बदल जाएगा। जो संख्या 963 है वो आपकी 96,000 बन जाएगी, तो आप 900 को 96,000 कैसे लिख सकते हो? बात समझ में आई ना? बिल्कुल आएगा, सब कुछ आएगा, पूरा गारंटी के साथ आएगा, लेकिन क्लास को बीच में मिस मत करना, भागना मत, कतई मत भागना। जो एड वगैरह आएगा उसको देखते जाना, समझते जाना। आगे देखिए, इसको इसमें से सबट्रैक्ट कैसे करोगे, ज़रा ध्यान दीजिए। पहले तो हम जो भी नंबर लिखा है उसको ऐसे लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने, ठीक ना, क्लियर, ओके। इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पे लगा था डेसिमल यानी 0.32 हमने लिख दिया। अब आपको पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लगाना है, लगा लिया, पॉइंट के राइट साइड 0 और 1 है, क्या है, 0 और 1 है, तो पॉइंट के राइट साइड 0 1 लिख दो, पॉइंट के लेफ्ट साइड केवल 0 है। इसको सबट्रैक कर लो, 2 से 1 गया 1, 3 से 0 गया 3, ये पॉइंट और 0, क्या मिला आपको, 0.31। यानी कि जब 32 पैसा से आप 1 पैसा घटाओगे तो कितना आएगा, 31 पैसा आएगा ना। लेकिन ज़रा गौर करना, अगर आपको कहीं पर 0.32 से 0.1 घटाना हो तब कितना आएगा, तब वैसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ये 10 पैसा है, तो 32 पैसा से 10 पैसा घटाओगे तो 22 पैसा आएगा, मतलब समझ गए ना। इसको भी देख लो, इधर 0.5 और 0.05, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बराबर नहीं हो सकता कभी। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल देखना, इसमें जो हमने इधर उधर का चीज़ें लिखा है उसको मैं मिटा देता हूँ, लेकिन और मतलब की चीज़ें आपके सामने हैं, उनको देखते जाना, कभी ना भूलोगे गणित, एकदम नशा सा छा जाएगा मैथ का। लेकिन हर एक डेमो क्लास देखना, जितनी डेमो क्लास आपको मिल जाए, लगभग 10 से 15 डेमो हम आपको देंगे, समझ में आ जाए तो ज्वाइन कर लेना, नहीं आ जाए तो बिना किसी टेंशन के बस देखते रहना। अब इसको कैसे सबट्रैक्ट करोगे, सिंपल सी बात है, जो ये नंबर दिया गया इसको लिख लीजिए पहले, हम इधर साइड में इसको यहाँ बताते हैं, इसे गोला बना के, तो जो नंबर था मैंने उसको लिख लिया, ये 0.3, पहले 0 है ना, 397 हो गया, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट 1 और 2, ये देखो यही था ना, इधर 0, बस सबट्रैक कर लीजिए, ये आसान रूल है, दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 7 होगा, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 9 होगा, 3 से 2 जाएगा आपका 1 आएगा, और अब ये बताओ क्या 1 से ये घटेगा, 1 से ये घटेगा, नहीं घटेगा ना, तो करोगे क्या, ज़रा सोचना, यहाँ पर ध्यान देना, ये कभी इसमें से घट ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है क्या है, 12 पैसा लगभग में है ना, कितना है, मतलब 10 पैसे से थोड़ा ज़्यादा है, 12 पैसे तो नहीं है, लेकिन ये उससे भी कम है, तो अब क्या करोगे, ज़रा सोचना, इस तरह का कहीं मिल गया तो कैसे करेंगे, फंस जाएंगे ना, सेम वैसे फंस जाएंगे जैसे हम लोग इसको घटाते हैं। अगर आपको दे दिया जाए एक सवाल, भागना मत अभी, जैसे आपको कहा जाए कि 32 में से 39 घटाओ, तो क्या आप 32 से 39 घटा पाओगे, नहीं घटा पाओगे ना, क्यों नहीं घटा पाओगे, क्योंकि जब आप ऐसे लिखोगे 32 नीचे 39 लिखोगे तो ये घटता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको घटाना है तो करोगे क्या, माइनस में लिख देते हैं, सुना है ना आपने, पढ़ा होगा, तो इसको सबट्रैक करके हम माइनस में 7 लिख देते हैं, और वो 7 आता कैसे है, हम लोग नीचे वाली गिनती से ऊपर वाली घटा लेते हैं, बड़ी से छोटी वाली, तो बस कुछ वैसा ही यहाँ भी करेंगे, क्योंकि वो गिनती ऊपर वाली छोटी है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको ऐसे दूसरी जगह मैं आपको बता दे रहा हूँ, 0.12 पहले रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0.397। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ना टोटल, ये लगभग 4 पैसा के बराबर है, बस लगभग मैं बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप 0 कर सकते हो, 0 इधर से क्या करोगे, अब आप इसको सबट्रैक्ट कैसे करोगे,
दस में से सात गया कितना आया, तीन, ये बचा क्या, नौ, नौ से जीरो गया तो क्या आएगा भाई, इसमें से दशमलव गया, ये हो गया दस, दस से सात गया तीन, नौ से नौ गया कुछ नहीं, ये बचा एक, इसमें से मतलब एक उधार यानी कि ग्यारह, ग्यारह से तीन गया आठ। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो माइनस में, निगेटिव में 0.803, ठीक ना। क्या लिखोगे, माइनस में रहेगा सारा आंसर क्योंकि उल्टा घट रहा है, 0.803 ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई ना, फंसना मत कहीं, क्लास छोड़ के मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। मित्रों देखिए, दशमलव के भाग वाले बहुत से सवाल आपके कंपटीशन के कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है कि हर दिन दाल चावल रोटी खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस दाल चावल रोटी में प्रयोग होने वाला जो आटा और चावल लगता है, अगर उसका प्रयोग ना करोगे तो खीर और पूड़ी भी नहीं बनेगा। मतलब उसी आटा और चावल से खीर और पूड़ी भी बनता है और उसी से दाल और रोटी भी बनता है। तो मतलब समझिएगा, हमारा कहने का मतलब यहाँ पर दाल रोटी पूड़ी सब्जी बताने का ये था कि आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, लेकिन जो वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जिसका आप 30 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन करते हो, 30 सेकंड 15 सेकंड के अंदर, अगर आप इसी में बीच में सोचो कहीं फंस गए तो क्या करोगे, तो ये चीज़ ना होने पाई, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, देखिए इसको भाग करना है 0.12 में भाग करना है 0.3 से, कैसे करोगे ज़रा ध्यान से समझना। पहले तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लोगे, मतलब इसको 0.12 ऊपर, अब देखिए दूसरी लाइन समझना इसको, वो तो पहली लाइन लिखा है, दूसरी लाइन है ये, ठीक ना, और इसके नीचे आ जाएगा ये 0.3। पहले दशमलव की बीमारी हटा दो बिना किसी टेंशन के, तो जब ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा जानते हो, ऊपर से दशमलव हटाएंगे, दो अंक पर था तो नीचे दो जीरो बढ़ेगा, तो हमने क्या किया, नीचे तीन लिख के दो जीरो बढ़ा लिया, लेकिन क्या, नीचे भी तो एक अंक पर दशमलव था ना, तो क्या बस उसी का जीरो बढ़ेगा, इसका नहीं बढ़ेगा, समानता का अधिकार है तो इसका भी बढ़ेगा, ऊपर का दो जीरो जब ये दशमलव हटा तो नीचे दो जीरो बढ़ गया तीन के बाद, उसी तरफ से जब नीचे का दशमलव हट गया यहाँ पर तो एक जीरो ऊपर भी बढ़ जाएगा, समझते जाना पक्का आएगा समझ में। अब इसको बारी हल करने की, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, बच रहा है बारह और तीस ना, दो से कटेगा अधिकतम, बड़ी से बड़ी संख्या दो होगी क्योंकि बारह और तीस का जो HCF होगा टू आएगा, टू से काटोगे तो दो को काटो, इसको काटोगे दो से तो छः आएगा, इसको काटोगे दो से तो पंद्रह आएगा, लेकिन माफ़ करिएगा थोड़ा सा, जो HCF होगा वो दो नहीं बल्कि क्या होगा, तीन होगा, है ना, तो तीन चौक बारह, तीन धामा तीस, और कोई होगा बताना सोच के जल्दी से, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, छः होगा HCF, तो यानी आप इसे छः से काटोगे, दो तीन से नहीं काटोगे, हमने तो ट्राई किया ना बड़ी से बड़ी संख्या से काटना जिससे फिर दोबारा ना कटे, कोई गुंजाइश ना रहे, तो छः से काटोगे तो ये हो जाएगा छः दूना बारह और ये छः पंचे तीस, क्योंकि ये तीस था ना, तो इस तरह से आपका उत्तर क्या आया, 0.12 / 0.3 = 5 आया। बात समझ में आई ना, नहीं आएगा तो तुरंत बता देना बिना किसी टेंशन के बता देना, बस समझना कि हमने किया कैसे और क्या किया। अगला देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने के लिए भी आप इसको 1.2 ऐसे लिख लोगे नीचे बटा का लाइन खींच करके, ये 0.40 ऐसे लिख लिया, इतना क्लियर है, आगे बढ़ाओ इसको, ये 12 ऐसे लिख लिया, दशमलव को भगा दिया, दशमलव भगाने के बाद नीचे हमने 40 लिख लिया, 40 था ना, ठीक, तो इस पे जो जीरो था इसको चाहे लिखिए या ना लिखिए इसका कोई मतलब नहीं होता है, फिलहाल लिखे रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ एक अंक पर दशमलव था, ध्यान से देखना यहाँ पर दो अंक पर दशमलव है ना, दो अंक पर, तो ऊपर दो अंक जीरो और बढ़ जाएगा, अगर आप यहाँ का जीरो हटा देते तो ऊपर एक जीरो बढ़ता, बात तो वही होती, समझ में आया ना, दो अंक का दशमलव हटा तो ऊपर दो जीरो, ऊपर एक अंक का दशमलव हटा तो नीचे एक जीरो आया, इस नंबर के बाद दो जीरो से दो जीरो काट दो क्या आएगा, चार से इसको काट दो, चार तीन बारह, तीन आया ना, लेकिन हमने इतना चना क्यों भुजाया इतना लंबा, इसको तो हम यही बता देते आपको तीन आएगा, क्यों, क्योंकि ये है 40 पैसे और ये है 1 रुपया 20 पैसा, 40 पैसा 1 रुपया 20 पैसा है कोई रिलेशन,
भाई 40 पैसा का 3 नोट पाई जाओ 40 40 पैसा का, तो 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि 40 पैसा का नोट होता नहीं है, समझ गए ना बात, कुछ बुझा रही, हजम हो रहा है, नहीं होगा बिल्कुल ना घबराना। अभी तो दूसरा भाग देख रहे हो ना मैथ का, अभी तीसरा चौथा पाँचवा बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं, देखते रहना। इसको कैसे करेंगे, 11.9 11.1 11.9 upon 117 17। इसमें कुछ नहीं करना है, डेसिमल को हटा दो चुपचाप, नीचे 17 लिख दिया, वन डिजिट से डेसिमल गायब था, नीचे 10 बढ़ा दिया। ज़रा सोचिए क्या इनमें कोई रिलेशन है, इनमें कोई रिलेशन है क्या है, 17 के टेबल में आता है ये, 17 से काटोगे तो 17 टेंजा यानी कि 17 दहम्मा 170 और 17 सत्ते 119 होता है, 17 छक्का 102 17 फत्ते 119 इंग्लिश में पढ़ोगे तो 17 7 जा 119। बात समझ में आई, यानी कि इसको हल करेंगे फाइनल में तो 7 upon 10 आएगा। समझते जाना, कभी ना भूलोगे, लाइफ में गारंटी हमारी होगी, बस क्लास छोड़ के मत जाना। अब जीरो लेवल मैथ में बहुत कुछ बदल चुका है, पहले की जैसे बात बकैती नहीं होती अब बिल्कुल, वो तो आप लोगों को खुश करने के लिए हम करते थे, लेकिन उससे हम खुद असंतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में काफ़ी पछतावा होता है, यार इतनी बड़ी क्लास हो गई 50 मिनट की, इसमें क्वेश्चन और टॉपिक जो शामिल किए गए नाम मात्र के हुए, लेकिन इतनी बड़ी बातचीत हो गई, उसमें जो नए नए जुड़ते हैं उनको मज़ा तो आता है, लेकिन दोबारा वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। सेम वैसे कुछ ऐसे प्लेस होते हैं दुनिया में जहाँ आप लोग जाते हैं वहाँ मज़ा बहुत आता है, लेकिन दोबारा नहीं जाते हो, तो वैसे यहाँ पे हो रहा था कुछ। तो हम चाहते हैं आप रोज़ आइए और देखिए, कोई वीडियो को डाउनलोड नहीं करेगा, नहीं तो डाउनलोड बंद कर दिया जाएगा, तो आप कभी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत ज़रूरी हो तभी डाउनलोड करें, अन्यथा डाउनलोड ना करें। आगे देखिए इसको क्या करोगे, 1515 लिख लिया बिना किसी दशमलव लगाए, इसका भी दशमलव हटाए दो, हट गया, ऊपर से 2 अंक पर दशमलव हटा है तो नीचे 20 बढ़ा दो, नीचे 1 अंक का दशमलव हटा है ना तो ऊपर 10, मतलब जितना अंक का दशमलव हट रहा है उसके अपोजिट साइड में उतना 0 बढ़ाना है। चलो भाई काट फिर दो इसको, 10 से 10 कट गया, इसको 5 से काटोगे तो कट जाएगा ना, ये भी कटेगा, 5 3 15 5 6 30 तो काट दीजिए, 5 3 15 और ये 5 3 15 5 6 30 ये 15 से भी कट जाता, 15 से खुद कट जाता ये, लेकिन हमने नहीं काटा। चलो फिर काट देते हैं एक बार, 3 एकम 3 और 3 12 3 36, इस तरह से आप देखोगे 1 upon कितना आएगा, 12, यानी अब यहाँ पर आप बहुत कुछ समझ गए होगे, समझ गए ना, ये था 10 पैसे के आसपास था और ये था 1.80 रुपया के पास था, तो जब 1.80 रुपया से भाग करोगे 10 पैसा में तो क्या आएगा, उसका 1/12 भाग आएगा ना। जल्दी से लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, देखते जाना कहीं मत जाना भाग के। मित्रों आज की जो 17 मिनट की क्लास हो रही ना 18 मिनट की, वो आपके लाइव क्लास की जो 58 मिनट की क्लास होती थी उसके बराबर है, यानी कि ये 18 मिनट की क्लास 58 मिनट के बराबर है। कैसे है, यहाँ पर आपका 40 मिनट का टाइम बच रहा है, इससे ज़्यादा टॉपिक कभी शामिल नहीं होता उसमें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत टाइम बीत जाता है। जिनको क्लास करना है वो कृपया करके PBR स्टडी को फेसबुक पेज पर अवश्य लाइक कर दें, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आएं, PBR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें, इसके छोटे यंगर चैनल मैथ आसान है को भी सब्सक्राइब करें, यहां पर आपको मैथ आसान बनाने की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है। इतना ही नहीं, आपको इससे बेहतर बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो ये डेमो क्लास देख रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सुना है ना, ये तो दूसरी क्लास है। अगर आप ज्वाइन करते हैं 549 ओनली पे करना है, केवल 549 रुपये, पूरा लीगल तरीके से गारंटी के साथ आपको मैथ सिखाया जाएगा अगर आप इसको करते हैं। नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मत करिए इसको, यूट्यूब पर जो आपकी क्लासें चल रही हैं इसको देखते रहिए, लेकिन सोचिए अगर आपको फ्री में यूट्यूब पर इतना मिल रहा है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो कितना मिलेगा। हमारी जो टीम है और ये उत्सुकता के साथ आपके लिए कार्य करेगी, तो आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड क्लास आपको मिलेंगी, पूरा बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, केवल आपको डेमो क्लास मिलेंगी बस। तो ये डेमो देख लीजिए, अगर संतुष्ट हैं आप इससे तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि टैक्सी के किराया से भी कम है ये ऑफलाइन कोचिंग के। व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन JLM लिख के भेजना है, करंट अफेयर PDF फाइल अन्य स्टडी मटेरियल के लिए विजिट करना ना भूलें PBRStudy.com। किसी प्रकार की वेबसाइट में समस्या होने पर या स्टडी में कोई प्रॉब्लम होने पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, मैं राजकुमार रघुवंशी, आज के लिए बस इतना ही, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, मैं करूँगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है, आसान है, आसान है मैथ आसान है। शुक्रिया आप सभी को, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा और किसी की ज़िंदगी में एक नया उजाला लाने में अपना सहयोग करें। PBR स्टडी प्रयागराज की 1 लाख
मेंबर होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हम आपको 2 दिन पहले से दे दे रहे हैं। थैंक यू।